नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गेट 2010 में जो क्वांटम मैकेनिक्स से हार्मोनिक ऑसिलेटर पर एक क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो था, उसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी वो निकालनी थी हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपको जो थंबनेल उस पर दिख गया होगा। क्वेश्चन है, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, उसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज कन्फाइंड द पोटेंशियल। हमारे पास एक कोई पोटेंशियल दिया हुआ है, देखिए क्या हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इनफाइनाइट फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कह रहा है, लेट द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। हमें तो वेव फंक्शन है वो दिया हुआ है, -1/√5 ψ0 + 2/√5 ψ1, जहाँ पर ψ0 और ψ1 है। द आर द आइगन फंक्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रिस्पेक्टली। ये जो ψ1 है ये ग्राउंड स्टेट को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, और जो हमारा ψ1 है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी, हमें एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो देखिए क्या है। हमारे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका जो वेव फंक्शन मान लीजिए, हमें जो पोटेंशियल दिया हुआ वो एम एक बड़ा तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और एक होता है हमारा, यदि ये है एक है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओनली ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास दो अलग अलग केस है। जो ये केस है उसको कहते हैं हम सिमेट्रिक। इफ़ जो हमारा पोटेंशियल है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होता है सिमेट्रिक केस, सिमेट्रिक पोटेंशियल। और ये होता है एसिमेट्रिक पोटेंशियल, एसिमेट्रिक सिमेट्रिक पोटेंशियल। इसको कहते हैं हमारे पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, या इसको इसका एक नाम और आता है ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखिए हमारे पास यदि ये साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वो तो सिमेट्रिक, और जहाँ पर ओनली ग्रेटर देन है वो हमारा केस है एसिमेट्रिक पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर या ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इनमें जो एनर्जी है वो दोनों अलग अलग होती है। तो हमारा ये केस है, इसमें जो एनर्जी आती है वो हमारे पास आती है एनर्जी इक्वल टू एन प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा। इसमें जो एन की वैल्यू होती है वो होती है स्टार्ट 0, 1, 2, 3 एंड सोन चलती जाती है। लेकिन ये आ गया एसिमेट्रिक ट्रंकेटेड या जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये आ गया, ये केस आ गया यदि जो हमारा पोटेंशियल है वो ओनली ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू ओनली ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में जो एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं एन प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा, जहाँ पर एन की वैल्यू स्टार्ट होती है ओनली 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसमें यही वैल्यू अलाउड है एन की वैल्यू। और यदि इसको हम और अन्य तरीके से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2n + 3/2 h क्रॉस ओमेगा, जहाँ पर n, यदि हमें ये इस केस यदि हम n की वैल्यू को याद रखना चाहते हैं कि हम दोनों में n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तब ये दो एनर्जी होती है 2n + 3/2 h क्रॉस ओमेगा, जहाँ पर जो n स्टार्ट होता है वो होता है 0, 1, 2, 3 एंड सोन। अब देखिए एक में तो लिख रहे हैं हम 1/2, ये तो लिख रहे हैं n + 1/2 h क्रॉस ओमेगा, जहाँ पर हम n की वैल्यू को शुरू करा रहे हैं 1, 3, 5 एंड सोन। और एक ये है 2n + 3/2 h क्रॉस ओमेगा, और n की वैल्यू को हम स्टार्ट करें 0 से। अब देखिए हम इन दोनों केस को यहाँ लिखते हैं, पहली एनर्जी है n + 1/2 h क्रॉस ओमेगा, यहाँ पर 1 है वो क्रॉसपॉन्ड कर रहा ग्राउंड स्टेट को, यहाँ पर n0 है वो क्रॉसपॉन्ड कर रहा ग्राउंड स्टेट को, n1 है वो कर रहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को, और n3 है यहाँ पर वो कर रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को क्रॉसपॉन्ड। अब रखिए देखिए हम पहले ग्राउंड स्टेट के बारे में चेक करते हैं दोनों के बारे में, क्या इस फॉर्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं जहाँ पर हम n की वैल्यू को ये यूज़ करें। तो देखिए जी
ग्राउंड स्टेट, इसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या है, एन इक्वल्स टू वन, तो पुट कीजिए वन प्लस वन बाई टू एच क्रॉस ओमेगा, ये कितना हो गया थ्री बाई टू एच क्रॉस ओमेगा, ये है ग्राउंड स्टेट की। और यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के लिए हमें एन की वैल्यू क्या हो पुट करनी होगी, जीरो, इसमें एन की वैल्यू को जीरो पुट कीजिए, तो देखिए जी जीरो प्लस थ्री बाई टू एच क्रॉस ओमेगा कितना है, थ्री बाई टू एच क्रॉस ओमेगा आ गया। हम एक और चेक कर लीजिए, यहाँ पर रखिए थ्री, थ्री क्या डिनोट कर रहा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो रखिए थ्री, देखिए इसको हम रेज करते हैं, अब एन एन थ्री रखिए, यहाँ थ्री है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो रखिए थ्री प्लस वन बाई टू एच क्रॉस ओमेगा, तो कितना है सेवन बाई टू एच क्रॉस ओमेगा, लेकिन इस फॉर्मूले में एन वन है वो कर रहा है क्रॉसपॉन्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को, तो रखिए इसमें टू एन यानी कि टू इंटू वन प्लस थ्री बाई टू, तो टू प्लस थ्री बाई टू सेवन बाई टू एच क्रॉस ओमेगा, यानी कि हम जब हमारे पास कोई ट्राउंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका पोटेंशियल एन वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज ओनली ग्रेटर देन जीरो, तो हम या तो यदि हम एन की वैल्यू को याद कर रखना चाहते हैं कि हम एन दोनों में जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसे सिमेट्रिक पोटेंशियल है उसके लिए जो एनर्जी होती है वो होती है एन प्लस वन बाई टू एच क्रॉस ओमेगा, जहाँ पर एन है जीरो वन टू थ्री एंड सोन। और बात करें वहीं ट्राउंकेटेड की, तो ट्राउंकेटेड में भी एन प्लस वन बाई टू एच क्रॉस ओमेगा होता है, लेकिन इसमें स्टार्ट होता है एन होता है वन थ्री फाइव, या यदि हम एन की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट करते हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो वन प्लस थ्री बाई टू एच क्रॉस ओमेगा, जहाँ पर एन जीरो वन टू थ्री एंड सोन, ये दोनों एक ही है, आप पर चॉइस है कि आप एन जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, यदि आप एन वन थ्री फाइव याद रखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया, हमें जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो ओनली ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि ये एक ट्राउंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसमें जो एन की वैल्यू होती है वो कहाँ से शुरू होगी, यदि हम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी हमारी चॉइस है, और यदि हम एन इक्वल टू वन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी हमारी चॉइस है। अब देखिए हम जब एन हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है, तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो होती है साई साई ई साई, और ये नॉर्मलाइजेशन फंक्शन है, तो यहाँ पर साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट वन हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए साई साई हमें गिवन है, अब एनर्जी पहले साई को लिखिए, ये जो हमारे पास दो गिवन वेव फंक्शन होता है वो हमें नॉर्मली केट में गिवन होता है, तो हमें इसको ब्रा में लिखना है, ब्रा वेक्टर में, तो माइनस वन बाई रूट फाइव ब्रा साई जीरो प्लस टू रूट फाइव ब्रा साई वन, और एनर्जी एनर्जी कितनी होती है एन प्लस वन बाई टू, हम यदि एन वन थ्री फाइव एंड सोन लेना चाहते हैं तो एन प्लस वन बाई टू एच क्रॉस ओमेगा, और हमारा वेव फंक्शन ये केट वाला माइनस वन बाई रूट फाइव साई जीरो प्लस टू अपॉन रूट फाइव साई वन, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए माइनस और माइनस वन बाई रूट फाइव साई जीरो प्लस टू अपॉन रूट फाइव साई वन प्लस एन, जो साई जीरो है वो किसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, ग्राउंड स्टेट को, इसमें ग्राउंड स्टेट क्या एनर्जी होती है, जब हम एन प्लस वन बाई टू ले रहे हैं तो इसमें ग्राउंड स्टेट क्रॉसपॉन्ड कर रहा है वन को, एन इक्वल टू वन, तो के वन तो आएगा वन प्लस वन बाई टू एच क्रॉस ओमेगा, और हमारा वेव फंक्शन माइनस वन बाई टू माइनस वन रूट फाइव साई जीरो प्लस साई वन के लिए यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वो कर रहा है थ्री क्रॉस पॉन्ड, तो एन इक्वल्स टू थ्री रखेंगे, थ्री प्लस वन बाई टू एच क्रॉस ओमेगा, और हमारा वेव फंक्शन टू अपॉन रूट फाइव साई वन, राइट, सॉल्व कीजिए। अब साई जीरो का साई जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट वन माइनस वन बाई रूट फाइव माइनस वन बाई रूट फाइव, तो ये आएगा, देखिए इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, माइनस वन बाई रूट फाइव माइनस वन बाई रूट फाइव, तो वन बाई फाइव, साई जीरो का साई जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट वन, और ये कितना है इंटू वन बाई टू प्लस वन, तो ये थ्री बाई टू एच क्रॉस ओमेगा प्लस, यहाँ पर साई वन का साई वन के साथ इनर प्रोडक्ट वन हो गया, टू अपॉन रूट फाइव टू अपॉन रूट फाइव फोर बाई फाइव इंटू थ्री प्लस वन बाई टू सेवन बाई टू
एच क्रॉस ओमेगा, ये कितना आया 3y 10 एच क्रॉस ओमेगा प्लस 28 एच क्रॉस ओमेगा, तो कितना आया 31 एच क्रॉस ओमेगा अपॉन 10। तो यह हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी 31 एच क्रॉस ओमेगा। अब देखिए जो हमें ऑप्शन है गिवन है वो क्या क्या है, ऑप्शन देखिए जी, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मेरे पास 31 अपॉन 10 एच क्रॉस ओमेगा, ऑप्शन बी गिवन है 25 अपॉन 10 एच क्रॉस ओमेगा, ऑप्शन सी है 30 एच क्रॉस ओमेगा और ऑप्शन डी है हमारे पास 11/10 एच क्रॉस ओमेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए आप ये चाहते हैं कि नहीं हम तो इससे नहीं करेंगे, एन इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए जीरो से करके देखते हैं इसका राइट आंसर तो हो गया ए। अब देखिए यदि हम उससे करें तो भी आना चाहिए हमारा जो ऑप्शन, इसको देखिए जिस शॉर्ट में करते हैं इसको 3 को उठा दे, इस 1 को हटा दे और हमें वेव फंक्शन भी जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी रखनी होगी 2n+3/2 और 2n+3/2। अब रखिए जी n, यहाँ पर n है वो जीरो कोरस्पॉन्ड कर रहा है ग्राउंड स्टेट को, और n यहाँ पर जब ये फॉर्मूला रख रहे हैं तो n यहाँ पर शुरू होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो जो जीरो है वो ग्राउंड स्टेट, 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो जीरो साई जीरो यानी कि ग्राउंड स्टेट, तो n 0 यानी कि 3/2 प्लस 1 एन की जगह वन कहेंगे तो कितना हो गया 2। अब रखिए सोल्व कीजिए, साई जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट 1 -1/√5 -1/√5 तो 1/√5 ये 5 आ गया इंटू 3/2 इंटू 3/2 एच क्रॉस ओमेगा प्लस साई जीरो साई वन का साई वन के साथ इनर प्रोडक्ट 1 2/√5 2/√5 4/5 इंटू, फिर ये सॉल्व करना है 2+3/2 4+3 7/2 ये कितना आ रहा है 3/10 एच क्रॉस ओमेगा प्लस 28/10 एच क्रॉस ओमेगा 31/10 एच क्रॉस ओमेगा आ रहा है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि यदि आप जो हमारा सिमेट्रिक होता है उसमें तो एन जीरो से स्टार्ट होता है उसके लिए एनर्जी होती है n+1/2 एच क्रॉस ओमेगा, लेकिन जो हमारा एसिमेट्रिक ट्रंकेटेड या जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें आपके पास दो केस है, वो आप पर चॉइस करता है कि आप कौन से एनर्जी काम लेना चाहते हैं, n+1/2 लेना चाहते हैं तो n है वो स्टार्ट होता है 1, 3, 5, 7 और यदि आप एनर्जी 2n+3/2 लेना चाहते हैं तो वहाँ पर n स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो। तो ये आप पर चॉइस है कि आप किस तरह इसको सोल्व करना चाहते हैं। तो होप करते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा जो गेट 2010 में पूछा गया था। तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।